आप सबसे जो लड़कियां हैं थोड़ा से इस साइड से दिख रहे हैं, जो लोग बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं शायद इनको कम समझ में आ रहा हो चीज़ें, आप लोग जरूर समझे। अगर बाल विवाह किसी का भी हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो सीजन फिर चलने वाला शादियों का, आप लोग जरूर फोन करें। अगर कोई बच्चा इसका कोई मोल नहीं है, अपनी जिंदगी के प्रति अपनी लाइफ के प्रति सचेत नहीं है, आप क्यों पढ़ने आए? एक बड़ा बनने के लिए कि हम बड़ा बनेंगे, कहीं स्कूल में जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे, या किसी भी ऐसी चीज़ों में कि हम अफसर बनेंगे, इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, तो हम लोगों को पढ़ाई करनी है ना ध्यान से। यस सर। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हमको डरना नहीं है, लड़ना है। इसके लिए क्या करना है, इसका टीका आ गया है, अब टीके आप लोगों को भी लगना चालू हो जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है कोविड के टीके बच्चों से भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, आप लोगों को भी लगेगा, हम लोगों को सबको लग चुका है। इस बार जो कोरोना की लहर आई वो कम क्यों हो पाई, क्योंकि हम लोगों को टीके लगे हैं, सबने टीके लगवाए हैं, निःशुल्क टीके लगाए जाते थे। इसके साथ साथ अभी ये पूर्णतः ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं चल रहा, आप लोग डेली देखते हैं, डेली टेस्टिंग होती है, इसलिए हमको इससे बचना है। बचने के लिए प्रॉपर अपने हाथ धोते रहना है, जिसके लिए मैं आपके लिए ये लाया हूँ, सैनिटाइजर आपको मिलेंगे, प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। घर पे भी साबुन से आपको हाथ धुलते रहने हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप प्रतिदिन क्योंकि आप ड्रेस पहनते हैं स्कूल की, ड्रेस भी साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से धुल के बढ़िया से पहनना प्रॉपर तरीके से। बाहर से जब कभी घर जाएं जरूर हाथ धुलें, खाना खाने से पहले।